वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी मैं 21 सिंगराम में है तो कम से कम उसका साल भी 80 प्लस 90 प्लस होगा। एक्यूरेट मुझे मालूम नहीं है, लेकिन देखो अकेला रहता है, उसका पति जो है वो भी इसी साल मर गया, तो अकेला खाना सब्जी बना रहे, तो उसको जाके चावल मतलब सब्जी वगैरह चावल वगैरह ढूंढना, तो अभी बहुत मुसीबत में है, बहुत तकलीफ़ में है। तो मेरा व्यूवर लोग, मेरा जो मेरा व्यूवर है सभी लोग, आप लोग मेरा हमारा अंकल के लिए आप लोग ज़रूर आप लोग का प्रार्थना में याद कर दो। तो देखिएगा मतलब अभी बाहर में गया, तो जब वो आएगा तो पूरा बेरा हो चुका है, पूरा देव हो चुका है, तो बातचीत करने में बहुत तकलीफ है। तो थोड़ा बहुत मैं सामान लाया, चीनी वगैरह बिस्कुट वगैरह, वो दीदी का अंकल भी आ चुका है। तो देखो ये मतलब जब वो पानी पका रहा है, मतलब जो पानी लेने से भी मतलब मग से ले रहा है, ठीक है जग से ले रहा है, तो कितना तकलीफ़ में होगा उसका ज़िंदगी सफ़र करने में, और फिर उसका घर वगैरह भी दिखाएगा। तो जितना हो सके उतना शेयर करो, इतना फॉरवर्ड करो, ताकि मुझे फिर दोबारा आप लोग का मदद आप लोग का सपोर्ट लेके मैं भी दोबारा आएगा। तो अभी छोटा सा तोहफा लाया है, तो कल परसों आप लोग ने ज़्यादा शेयर करेगा, ज़्यादा आप लोग ने लव आप लोग का लव दिखाएगा, तो बड़ा बड़ा गिफ्ट ही लाएगा। तो ठीक है अभी जाके उसको मिलते। बम गोई रान रामा बम गोई तो उसका घर देखो, मतलब जो बोतल वगैरह से पानी लगाया, तो देखो उसका घर भी देखो बॉम्बे, उसका बिस्तर ही है। तो ऐसा जिंदगी सफर करे दोस्त लोग, देखो चोला चोला, हाँ उसका चोला तो एक रूम है, एक रूम में मतलब बिस्ना उसका बेड भी है, सामान भी है, सब कुछ लगा हुआ है। तो गाइस आप लोग तो समझदार वाला लोग है, जिंदगी में ऐसा व्यक्ति अगर मुझे आपको हुआ तो कैसा महसूस करेगा, मतलब खाने के लिए मतलब अच्छा चीज़ खाने के लिए, अच्छा बिस्कुट खाने के लिए, अच्छा सब्जी खाने के लिए पैसा नहीं है, तो इतना तकलीफ में ज़िंदगी गुजार रहे थी। को मेरे तरफ से थोड़ा सा तोहफा अंकल के लिए, तो थोड़ा ही लाया है, अगर नुते मई हलू नुते मई दगम से पाओ, हलू हलू तेते मई हलू तेते मई ना करू ना लंग पेबम बम गई बुद्धो मऊ ली वाय तो मतलब पूरा बेरा हो चुका है, जो मैं बता रहा हूँ वो समझने के लिए बहुत तकलीफ हो गया, मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहे फिर भी तिंकुम तिंकुम दाकी जी सब पोनांग ना तिंकुम
मतलब बहुत बहुत पूरा डेफ हो चुका है उसका, साल कितना हो गया, तो बोल रहे हैं हो जाएगा हो जाएगा, मतलब थोड़ा हम दोनों का मतलब पकड़ने के लिए दिक्कत हो रही है। तो गाइस मैं उसको हम बातचीत करना चाहता है लेकिन मतलब बहुत तकलीफ में। तो गाइस मैं आप लोग को एक रिक्वेस्ट करना चाहता है हमारा अंकल के लिए, आप लोग जरूर प्रार्थना सुबह शाम आप लोग जहाँ पे रहेगा आप लोग प्रार्थना आपका दिल से ज़रूर आप लोग हमारा अंकल के लिए आप लोग ज़रूर प्रार्थना कर देना। तो वीडियो तो आज के लिए इतना ही है, तो जी जिसने वीडियो लास्ट तक देखा आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। तो तब तक के लिए आप लोग अच्छा से रहो, हेल्थी रहो, बाय बाय। अंकल का घर है ये, अकेला जिंदगी बूढ़ा बूढ़ी का समय में रहने के लिए कितना तकलीफ होगा। इन दोनों का बच्चे भी नहीं है, तो उसका पति इस साल मर गया, तो वो भी बता रहा है पति मिल गया, अब पति खो दिया, पति मर गया, तो सोने के लिए भी दिक्कत हो रहा है, सोने के लिए भी मन नहीं कर रहा है, ऐसा बोल के अंकल बहुत अफसोस से बोल रहे। इन दोनों का बच्चे भी नहीं है।